युवा मन आकांक्षी होता है, महत्वाकांक्षी होता है और होना भी चाहिए। और इसकी अभिव्यक्ति करते हुए वैसे मुझे जो ये बच्चियां बढ़िया बढ़िया कविता सुना रही थी, मुझे ज्यादा वो आता नहीं है, लेकिन कभी हमने पढ़ा था तो ऐसे टूटा फूटा जो याद रहता है। और किसी शायर ने कहा था कि उसे गुमा है, उसे घुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे घुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि युवा सपनों को, आकांक्षाओं को रोकना नहीं चाहिए, उन्हें उन्मुक्त गगन में उड़ने देना चाहिए, क्योंकि युवा नए आइडिया से, फ्रेशनेस से वो भरा हुआ होता है, ऊर्जा होती है, तेजस्विता होती है, शार्पनेस होती है, उस पर अतीत का बोझ नहीं होता। ऐसे में चुनौतियों और समस्याओं से निपटने में वो अधिक सक्षम होता है। साथियों, देश की, समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए आपकी जो अप्रोच है वो न्यू इंडिया को और मजबूत करने वाली है। जैसे आज का समय तेजी से बदल रहा है, वैसे ही आज की जनरेशन भी पहले की अपेक्षा कई गुना तेजी से सोचती है, काम कर रही है। ये तो आपने भी अनुभव किया होगा, आपके ही परिवार में 3 साल 4 साल का भतीजा होगा तो उसका जो दिमाग चलता होगा, आप सोचते होंगे मैं तो इतना छोटा था, मुझे समझ नहीं आता था, इसको सब समझ आता है। यानी आप में और आपके भतीजे में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी आप अंतर महसूस करते हैं, बदलाव है। कुछ लोग कहते हैं कि आज का नौजवान सवाल बहुत पूछता है, घर में भी आपको परेशान रहते हुए थे, चुप बैठ जा पढ़ाई कर, ऐसा ही होता होगा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आज के युवा में धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, बड़ी हड़बड़ी में है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आज का युवा मोनोटोनस वर्क नहीं चाहता, उसको हर बार नया चाहिए, हर चीज में नयापन चाहिए। और कुछ लोग भी बोले, लेकिन मैं मानता हूं कि ये सारी बातें, लोग कुछ भी कहे, युवा है तो ये सब जरूरी है, इंग्रेडिएंट्स है युवा के। वरना उम्र बड़ी हो दिमाग नहीं चलते, लोग तो देखे हमने। और यही बातें तो आपको इनोवेटिव बनाती है, नए नए आइडिया लाती है। आज का युवा मल्टीटास्किंग के लिए पहले से ही तैयार है और इसलिए कई काम एक साथ करता है। वो एम्बिशन से भरा हुआ है क्योंकि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, और यही तो न्यू इंडिया का आधार है। साथियों, हमारी सरकार ने देश के युवाओं को सपनों को साकार करने के लिए युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के हर संभव प्रयास किया है। हमारा यह स्पष्ट मानना है कि युवाओं को अवसर मिलने चाहिए, अवसरों को समानता मिलनी चाहिए, सामर्थ्य तो उसमें भरपूर है ही। यही कारण है कि शिक्षा और सरकारी सेवाओं में सामान्य वर्ग के गरीब युवा साथियों के लिए 10% आरक्षण का ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार ने किया। दूसरे वर्ग के अधिकार में छेड़छाड़ किए बिना यह काम किया गया। इतना ही नहीं, सरकार शैक्षिक संस्थानों की सीटों में 25% तक की वृद्धि भी कर रही है। साथियों, अवसरों की समानता तभी सुनिश्चित हो जाती है जब सिस्टम से परिवारवाद, भाई भतीजावाद, अपना पराया, भ्रष्टाचार सब दूर हो। और इसके लिए भी एक के बाद एक कई निर्णय लगातार किए जा रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ट्रेनिंग और सिलेक्शन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की बात हो, या फिर स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं के आइडियाज को देश की ताकत बनाने की बात हो। हम एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
और इसका पूरा लाभ उठाने और भविष्य में इन कार्यों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी भी आप जैसे नौजवानों की है। चौथी औद्योगिक क्रांति के इन शुरुआती वर्षों में भारत तेजी के साथ आगे बढ़े, स्टार्टअप की दुनिया में, इनोवेशन की दुनिया में, गरीबी को समाप्त करने के प्रयासों में, पूरे विश्व में मिसाल कायम करे, इसके लिए प्रयत्न हम सभी को मिलकर के करना है। याद रखिए, मैं जिस पीढ़ी से रहा हूं, आप जिस पीढ़ी से हैं, हम वो लोग हैं जिन्हें स्वतंत्रता के लिए मर मिटने का मौका नहीं मिला, लड़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन हम वो लोग हैं जिन्हें देश के लिए जीने का अवसर मिला है। और इसलिए हमें अपनी ऊर्जा, अपनी प्रतिभा देश के लिए जीने पर, देश के निर्माण पर लगानी है।